एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज मौसमी की दुनिया एंड आई एम योर होस्ट मौसमी मलिक। आई वेलकम यू ऑल इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो गाइस, आज इज संडे, सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। इसने भी बोल दिया हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। बस अभी उठे, सो के और अभी मेट्टू, शांत हो जाओ। ओके, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:30 और उठ के मैंने विनेगर वगैरह पी लिया था। उसके बाद अब आती है बारी ब्रेकफास्ट करने की। तो ब्रेकफास्ट में क्या किया जाए, चाय तो मम्मी ने बना ही लिया है। कुछ और खाने का मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो पोहा बनाते हैं। पोहा भी मैंने करीबन 1-2 महीने से नहीं खाया। देन उसके बाद एक इमरजेंसी काम की वजह से हम आ गए थे श्रद्धा के घर, और ये रहा श्रद्धा का पेट, इसका नाम है पीपू। मिलो आप इससे, कितना बड़ा हो गया पीपू, कितना बड़ा हो गया। हमने तू सा देखा था इसको छोटा सा। यहाँ पे बंद है, पैर नहीं चाटो। दीदी अपने में इतना बड़ा हुई है। लो रखे आओ, छोड़े आओ ना। ना जा, बिल्कुल ना जा। आप के पीछे पीछे घूमना, पकड़ ले जा। चल। सो फाइनली आ चुकी हूँ घर वापस, और घर वापस आने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा रिलैक्स था। मतलब बहुत दिनों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अभी खुशी की भी तबीयत ख़राब थी, उसके घर गए, फिर उसको बॉटल वगैरह लगी, देन वहाँ से वापस आए, और मनीषा का बर्थडे भी है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पैम्पर करते हैं खुद को, अपना हुलिया ठीक करते हैं। तो ये सारे इन्ग्रीडियंट मैंने ले लिया है। कटोरी में है दही। अब दही में मैं मिक्स कर रही हूँ एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा घर का, और दही जो है वो घर की नहीं है, वो मार्केट की, आप कोई सी भी दही ले सकते हो। तो चलो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी जो मैं हेयर में यूज़ करने वाली हूँ वो सिर्फ एलोवेरा जेल, दही और विटामिन ई कैप्सूल, और कुछ भी नहीं है इसमें। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी, देन मैं हेयर्स में अप्लाई करूँगी। ओके, तो करीबन मैंने 5-6 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हो कितना स्टिकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये दही जो है। और स्पेशली आप जो दही लोगे तो उसका पानी जो है आपको निकाल देना है। मतलब दही में यूजुअली क्या होता है, वाटर होता है, तो आप उस दही को हल्का सा छान लो, या पहले दही को थोड़े से कपड़े में, कॉटन के कपड़े में रख के निचोड़ दो, तो एक्सेस वाटर जो होगा वो निकल जाएगा। तो वो इस टाइप के फॉर्म में, मतलब क्रीमी फॉर्म उसका आएगा, अदरवाइज़ वो बहुत लिक्विडी होता है। सो चलिए अप्लाई कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अप्लाई करने के बाद, क्योंकि अप्लाई करने में ऑलमोस्ट 5-7 मिनट चला जाता है, क्या ही दिखाना। सो फाइनली मैंने अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प पे दही, एलोवेरा और विटामिन ई कैप्सूल का जो मैंने मास्क बनाया था उसको बड़े ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब चलो बारी आती है फेस की, क्योंकि अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा धूप में भागा दौड़ी चल रही थी, जिसकी वजह से फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग भी हो चुकी है, और बिल्कुल भी मतलब जो फ्रेश फील होता है, अपना स्किन जो खुद को अच्छा लगता है, वो क्वालिटी बची नहीं थी स्किन पे। मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो अभी मैंने ले लिया है प्लेट्स में बहुत ही यूजुअली और नॉर्मल सी चीज़ें, और बहुत नॉर्मल सी ट्रिक है, टोमेटो को हाफ कट कर लो, हाफ टोमेटो लो, शुगर एंड देन कॉफ़ी, शुगर में डिप करो, कॉफ़ी में डिप करो, और धीरे धीरे से उसको जेंटली स्क्रब करो। देख ही सकते हो बहुत ही इजी टेक्निक है, जस्ट आपको ज़्यादा कटोरी वटोरी भी नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें भी नहीं चाहिए, बहुत कम चीज़ों में आप अच्छा खासा सा स्क्रब और इंस्टेंट ग्लो पा सकते हो, और कॉफ़ी बहुत अच्छा काम करता है डिटैनिंग में। चलो तो बस इसको घिसते रहो, लगाते रहो। वन मोर थिंग, तो ज़्यादा ज़ोर से भी आपको स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा नुकीला होता है, आपको लग भी सकता है। तो जितना आपका फेस उस चीज़ को हैंडल कर पाए आप उसी अकॉर्डिंग उसको रब करते रहो। अगर आप हार्ड ले सकते हो तो आप हार्डली करो, अदरवाइज़ आप सॉफ्टली करो। तो मैं तो बहुत, जब तक शुगर क्रश नहीं होता है ढंग से तब तक मैं बहुत जेंटली रब करती हूँ। देन जब एक बार शुगर डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है फिर मैं नॉर्मल जो फोर्स के साथ उस चीज़ को करती हूँ। लेकिन ये चीज़ है, जितना आप इसको प्रेशराइज करके प्रेशर के साथ करेंगे उतने अच्छे से टैनिंग रिमूव होगी। अगर वाइट हेड, ब्लैक हेड भी है तो वो चीज़ भी जेंटली रिमूव होगी, और इसमें कोई साइड इफेक्ट है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। आप खाते हो, टोमेटो भी खाते हो, कॉफ़ी भी लेते हो, शुगर भी लेती हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। चलो मैंने स्क्रबिंग अच्छे से कर लिया है, अब मैं फेस को वॉश करती हूँ, और आप बिफोर आफ्टर आपको अब भी पता चल जाएगा। सो गाइस फाइनली मैंने मुंह धो लिया है, कहीं कहीं लगा हुआ था तो मैंने कहा साफ कर लेते हैं, आप देख सकते हो। सो गाइस मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया, आप देख सकते हो एक इंस्टेंट ग्लो आ गया। अब इसके बाद एक पैक लगाने वाले हैं, उसके बाद उस पैक को 5-7 मिनट रखेंगे, देन वॉश कर लेंगे, नहा लेंगे। तो चलो उस पैक को बनाते लगाते हैं। हाँ
तो गाइस लेट हो रहा है, मम्मा बुला नहीं, कहीं हमें जाना भी है, तो फटाक से मैं इस पैक को बना के लगा लेती हूँ। इसमें कॉफ़ी, शुगर, टर्मरिक और दही और थोड़ा सा लेमन जूस, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और देन मैं लगा रही हूँ। मैं बहुत शॉर्टकट में लगा रही हूँ, मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रही, मैं अच्छे से प्रॉपर दिखाने के चक्कर में ये कटोरी वो कटोरी, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं। 10 से 12 मिनट के अंदर मुझे नहा के निकलना है मम्मा के साथ, बहुत इमरजेंसी काम है। तो फिर मैंने फटाक से उसी प्लेट में इन सारी चीज़ों को मिक्स किया और मैं इस चम्मच की हेल्प से लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, ग्लो का ग्लो आएगा, टैनिंग जितनी भी आपके स्क्रब में, मतलब स्क्रबिंग करने से तो निकली गई होगी, जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो इस पैक जो लगाएंगे हम, ये रिड्यूस कर देगा उस चीज़ को। और अच्छा खासा सा ग्लो के साथ साथ स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, मॉइस्चर हो जाएगी और बहुत ही क्यूट लगूंगी मैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। तो चलो फटाक से इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसको 10 मिनट रखेंगे, तब तक मैं कपड़े वपड़े निकाल लूँगी और फटाक से वॉशरूम में जाऊँगी, नहाऊँगी, फिर मैं आपसे मिलूंगी नहाने के बाद। ओके गाइस, सो बने रहिए, देखते रहिए। सो गाइस फाइनली नहाना हो चुका है और हेड वॉश वगैरह भी मैंने शैम्पू से कर लिया था। बाल अभी पूरी तरीके से सूखे नहीं हैं, आधे गीले आधे सूखे हैं, और मैं आज नेचुरली हेयर्स को ड्राई कर रही हूँ। और आप फेस भी देख सकते हो कितना शाइनी और ग्लोई लग रहा है, और हेयर तो काफ़ी ज़्यादा ये फ्लफी हो गए हैं, बिल्कुल बाउंसी हो गए हैं, देख सकते हो। और ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं अभी, ये अंदर अंदर के बाल पूरे तरीके से गीले, जब ये ड्राई हो जाएंगे तो बिल्कुल ये बाउंसी हो जाएगा और घने घने जैसे बाल लग रहा है, और स्किन बहुत ही प्यारी लग रही है ना। जस्ट मैंने अभी फेस पे मॉइस्चराइज़र और सीरम बस अप्लाई किया है, और मैं वैसे कुछ अप्लाई करती भी नहीं हूँ, और लिप्स पे लिप बाम, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लिटरली लग रही है भूख, तो चलो जाते हैं खाना वाना खाने। तो गाइस चलिए जल्दी से लंच कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, खाते हैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, आपसे मिलेंगे शाम को। ओके, उसके बाद मैं और मम्मा चले गए थे, जो हमारा काम था बाहर का वो काम निपटाने, फिर वहाँ से आए और ये ब्रूनो देखो मेरे ऊपर कैसे कूद गया, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम। इनसे ही भागा दौड़ी चल रही थी, तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला था, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लेटते हैं। तो ये बहन जी जो है वो सोने नहीं दे रही है, वो पता नहीं क्या शुरू कर दिया हमने, कहाँ से ये माइक मिला है उसको, अजीब अजीब सी आवाजें निकाल के कर रही है परेशान। सुना दिया जाए, सानू एक पल देन उसके बाद मस्ती वस्ती करके मैं सो गई थी और बहुत लेट उठी, और अभी गाइस बज गए हैं रात के 12 और ये घड़ी 10 मिनट फास्ट चलती है। और है आज मेरी सिस्टर का बर्थडे, तो चलो उसका सरप्राइज केक लेके चलते हैं उसके पास, और रात के फिक्स अभी 12 बजने में 2 मिनट कम है, लेके चलते हैं रूम में, कैंडल्स वगैरह चलाते हैं और उसको देते हैं प्यारा सा सरप्राइज़ और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। ओके चलो चलते हैं केक कटवाने। मिलू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। एसी बंद करो, हवा आती। हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रूनो, ब्रूनो दीदी का बर्थडे, दीदी का बर्थडे ब्रूनो। चलो केक कटवाएं।
खा तो फूको बुझ जाएगी मोमबत्ती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बिल्लू, खा लो खुद। ব্রুনো ওরে দাম না আমি খাইছি। ব্রুনো খুব টেস্টি নে, কেক খাওগে? আরে না মানে পেক করতে দে, ওলে তো দাও, একটু দাও রে, দাও না একটু হানি ক্রিম না ব্রেড দি। चलिए गाइस इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड, कल मिलेंगे आपके साथ बर्थडे वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।